सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 डिवाइस के अंदर आप जो है अपने कंट्रोल सेंटर को चेंज आउट कैसे कर सकते हो। गाइस, अगर आप एक ही कंट्रोल सेंटर को बार बार यूज करके बोर हो चुके हैं, एंड गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी एप्लीकेशन जिससे अपने कंट्रोल सेंटर को प्रॉपरली चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसके पूरे कंट्रोल सेंटर को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। सो एंड तक वीडियो देखो ताकि समझ में आए हमें कैसे यूज करना है इस कंट्रोल सेंटर का। गाइस, इस कंट्रोल सेंटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो EMI कंट्रोल सेंटर नाम से इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल्ड करना होगा। हालांकि आप इसे हमारे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास कुछ परमिशन मांगेगी इस तरह से, नोटिफिकेशन को अलाउ करेंगे। एड्स आ रही है, एड्स को आप यहां से कट करिए। 3 परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी, तीनों को आप यहां से फटाफट अलाउ कर देंगे। तो हम यहां पर एक्सेसिबिलिटी को भी ऑन करते हैं। जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं, सेम टू सेम फॉलो करिएगा ताकि आप अपने कंट्रोल सेंटर को बदल सकें। यहां पर आएंगे, नोटिफिकेशन सेक्शन को प्रेस करेंगे, यहां से EMI कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करके सारी की सारी नोटिफिकेशन को एक्सेस दे देंगे। हमारे पास एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ओके पे क्लिक करना है, इधर भी ओके कर देंगे तो हमें यहां पर देखने को मिल जाता है ये कंट्रोल सेंटर जो आप देख रहे हैं हमारे फोन के अंदर। लेकिन अब ये कस्टमाइजेबल नहीं है, एक परमिशन और हमें देनी होगी। इसके लिए लाइट वाले ब्राइटनेस पर क्लिक करेंगे, अलाउ करने के लिए बोला, अलाउ करेंगे, एंड यहां से सिस्टम मॉडिफाइंग परमिशन एक होता है, इसको अलाउ कर देंगे। अब हम इसको फुल्ली मॉडिफाई कर सकते हैं। एड्स आ रही हैं, एड्स को हम यहां से क्लोज करेंगे। अब गाइस, इसके अंदर दो प्लान होते हैं। पहला तो अगर आप फ्री वाला प्लान ऐड करते हैं तो इसमें बेसिक लेवल पर नहीं, बेसिक लेवल पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं यूज करने के, एंड नेक्स्ट लेवल के ऑप्शंस यूज करने के लिए प्रीमियम यूज करना पड़ेगा। प्रीमियम पे क्लिक करते हैं तो इस एरो पे क्लिक करिएगा, यहां पर 30 डेज फ्री ट्रायल भी है और 900 रुपीज पर ईयर का इसका जो है प्रीमियम वर्जन है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप फ्री में ट्राई कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही पसंद आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको कट करते हैं। अब इसके अंदर देखो हम करने के वाले, दो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट मिलता है। अगर आपको स्ट्रेट नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको इस तरह से नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे हमारे फोन में दिख रहा है साइड बाई साइड में, आप सारी चीजें प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोल सेंटर हमें पसंद आता है, इसको हम यूज करेंगे। स्टेटस बार को स्वाइप एरिया के जरिए आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट साइड में क्लिक कर दूं तो यहाँ से स्वाइप अप कर सकता हूँ इसको, वैसे इसको मीडियम ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अंदर हम करने के वाले, अगर लेआउट यूज करेंगे तो इसके लिए प्रीमियम चाहिए, कलर्स यूज करेंगे तो कलर्स के लिए फ्री वाला होता है, कलर्स पे क्लिक करिए। एक्टिव टाइल कलर है, इसको हम रेड या ब्लू कोई भी कलर करेंगे तो जो हमारे ऑप्शंस इनेबल होंगे वो हमको उसी उसी फॉर्म में दिखाई देंगे। तो आप पहला तो इसको कर सकते हो। एंड यहाँ पर शॉर्टकट अगर आपको कम लग रहा है तो पेंसिल साइन पे क्लिक करिए, यहां से जितने शॉर्टकट है आप इसको नोट डाउट ऐसे करके इस्तेमाल करके सब प्लस साइन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। अब देखो सारे के सारे कंट्रोल सेंटर बढ़ चुके हैं। अब गाइस, इसके अंदर कुछ और कंडीशंस है, यहां पर आएंगे, इसको चलते हैं फिर से एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, आप इसको भी चेंज आउट कर सकते हो। यहाँ पर आएंगे ब्राइटनेस स्लाइड बार है, इसको भी कलरफुल कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, जो चीजें आपको यहाँ पर मिलती है फ्री में वही कर सकते हैं, और प्रीमियम लेते हैं तो सारे ऑप्शंस फ्री मिलेंगे, एड्स भी इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर डायनेमिक कलर नोटिफिकेशन है, ऑन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं डार्क कलर्स के, डार्क कलर्स में जाएंगे, डार्क कलर में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, डार्क कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो ये सारी चीजें आप इस कंट्रोल सेंटर के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मोस्ट ऑफ यूज ऑप्शंस था वो मैंने बता दिया आपको, कंट्रोल सेंटर ऐड करना, कलर को कस्टमाइज करना, एंड अगर आपको प्रॉपर अपने जो भी कंट्रोल सेंटर बना हुआ है उसके ऑप्शंस को शॉर्टकट वाले को ऐड करना चाहे या कस्टमाइज करना चाहे तो प्रीमियम लेना पड़ेगा। बाकी आप जो है इसे यूज करके अपने कंट्रोल सेंटर को बदल सकते हैं। सो आई थिंक गाइस समझोगे कंट्रोल सेंटर को चेंज आउट कैसे करना है। एंड फिर से कोई कंफ्यूजिंग होती है आपके मन में तो इसके लिए कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।